आज की इस वीडियो के अंदर हम शोल्डर बनाना सीखेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले घबराना नहीं है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी आर यू कॉमेडी मी। आर यू कॉमेडी मी। फ्रेंड्स कैसी लगी कॉमेडी? ऐसे आगे भी कई मेमेज मैंने डाले हैं, तो प्लीज उसे भी देखना। सबसे पहले हम एक सोल्डर का एलिमेंट लेंगे 25 वॉट का, उसके बाद एक खराब कबाड़े से एक पाइप लेनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद एक वायर लेना है फ्रेंड्स। आपको मोटा वाला वायर लेना है, कोपर में यूज करना है, क्योंकि ये हीट होगा तो कोपर वाला वायर ही अच्छा रहेगा इसके लिए। तो कोपर का वायर यूज कर रहा हूँ मैं इसके लिए। और इसको दोनों तरफ ऐसे लपेट के इनको फिक्स कर लेना है, कुछ इस टाइप से फ्रेंड्स वीडियो में आपको दिख रहा है। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज एक लाइक और शेयर करना ना भूले। फ्रेंड्स अगर आपके पास सोल्डर है तो सोल्डरिंग भी कर सकते हैं। ओह, सोल्डर बनाने के लिए भी सोल्डरिंग का यूज करना पड़ेगा। फ्रेंड्स उसके ऊपर फाइबर स्लीव लगा दिए। फ्रेंड्स आप चाहते हो कि ऐसे मीम्स हर वीडियो के अंदर मैं डालूं, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स पाइप डालने के बाद इसको फेविक्विक से चिपका लेना है, कुछ इस टाइप से। और फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दोनों वायर बोर्ड के अंदर कनेक्ट करके इसकी टेस्टिंग कर लेनी है। अगर ये बंद निकला तो फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी और सारी मेहनत बेकार लग जाएगी। और इसके आगे और पीछे एमसील से इसे टाइट कर लेना है, कुछ इस टाइप से। और एक रिंग टाइप की लगा देनी है, जिससे हमारे हाथों के अंदर अच्छी से ग्रिप बन जाए। और एक पुराना शोल्डर लेना है। अब अगर आपके पास है तो उसकी आप बीट ले सकते हैं, वरना आप लोकल मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं। मेरे पास थी तो मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ अभी। कुछ इस टाइप से फ्रेंड्स ये आसानी से लग जाएगी। अब वायर के आगे एक टू पिन प्लग लगा के मैं इसे होल्डर में लगा रहा हूँ, और थोड़ी देर के बाद ये काम करना स्टार्ट हो गया है। तो बस फ्रेंड्स इतना ही था वीडियो के अंदर। मैं आपको इसे टेस्ट करा के भी दिखा देता हूँ। ये मैं एक सर्किट के अंदर से कैपेसिटर निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए। इस वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगी है। अगर आप ऐसे ही वीडियो और भी चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी मुझे बता सकते हैं। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर ले। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए नोटिफिकेशन के ऑल पर क्लिक करना भी ना भूले। चले मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।